गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। जो धर्म क्षेत्र में आकर दान करने से आदमी को आनंद की अनुभूति हुआ करती है, अद्भुत आनंद है, अलौकिक आनंद है। नंदीश्वर विधान, कल पूछा गया कौन सा विधान होगा, हमने कहा तुम बताओ, तो आशिमा जी लोहाड़िया उन्होंने कहा कि नंदीश्वर विधान करना है, अष्टानी का पर्व चल रहे हैं। तुरंत उनकी किस्मत ऐसी कि तुरंत मंडल भी मिल गया और पुस्तकों की व्यवस्था भी हो गई। और आज ये हमारा भी मन बहुत खुश हुआ कि अष्टानिका में नंदीश्वर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हमको भी हुआ और आपको भी हुआ, अद्भुत रहा। दो बार 24-24 भगवान के विधान हो चुके हैं, ऐसा कोई विधान बचा नहीं है जो 4 महीने में नहीं हुआ हो। लगातार विधान होना, ये पहली बार मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि पूरे चातुर्मास भर विधान ही विधान, वरना मेरे सानिध्य में तो चौमासे में एक महार्चना होती है और कुछ नहीं होता है। ज़्यादा विधान विधान में मैं रहता नहीं, लेकिन बड़ा सुखद अनुभूति, शातिशय पुण्य का अर्जन हुआ। अष्टानी का पर्व नंदीश्वर में, आज आप लोग गुवाहाटी से, जयपुर से, पूना से आकर बैठे हैं, तुम लोग तो फिर भी यहाँ के यहीं आके बैठे हो, सारा देवलोक आज नंदीश्वर दीप में विराजमान होगा। तो 8-8 मूर्तियाँ एक एक जिनालय में, सोचिए विचार करिए कितनी विशाल विशाल प्रतिमाएं होंगी। अकृत्यम चेत्यालय में जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं वो सब सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान की प्रतिमा होती हैं, तीर्थंकरों की प्रतिमा नहीं होती वहां पर। अरहंत ओंठ उनके कैसे होते हैं, जो तुम लोग लगाते हैं ना लिपस्टिक, उनके वैसे ही ओरिजिनल गुलाबी ओंठ होते हैं भगवान के, और श्याम श्वेत, और आंखें काली गोल, बाजू में वाइट, श्याम रंग भोय चक्षु, इनकी जी आईब्रो क्या बोलते हैं भोय, ये काले रंग की होती है, घुंघराली अलकावलियां होती हैं भगवान की। ऐसी भव्य भव्य प्रतिमाएं जिनका इंद्र 8 दिन तक, मालूम है कितनी देर पूजा करता है, 24 घंटे। कि एक बार मनुष्य की पर्याय प्राप्त हो जाए, जैसे अभी तड़पते हो ना कि देव बन जाए, अच्छी गति हो, देवता की गति प्राप्त हो जाए, आज सोचते हो तब जाके बना करते हैं। 84 लाख योनियों में 84 लाख शरीर को फेंकने के बाद आपको यह मनुष्य की देह प्राप्त हुई। कितने संकल्प रहे होंगे कई जन्मों के, इतनी आसानी से मनुष्य शरीर मिलता है क्या, इतनी आसानी से मिल भी जाए तो जैन कुल प्राप्त होता है क्या, जिनेंद्र की शरण प्राप्त होती है क्या? नहीं, कई जन्मों के पुण्य रहे होंगे पिछले जन्म में, हो सकता है 10 जन्म पहले, 20 जन्म पहले कोई मुनि महाराज सड़क से निकले होंगे, तुम अजैन जाति में पैदा हुए होंगे, जैसे ही देखा होगा बाबा जा रहे हैं, जैनों के महाराज जा रहे हैं, हाथ जोड़ लिया होगा, पड़ गया बीज और आज जैन कुल में आकर के तुम पैदा हो गए। ऐसे बीज बोइए अपनी चेतना में, ऐसे बीजों का आरोपण करो पूजा भक्ति में बैठकर, कभी जैन का बीज बोया तो आज जैन बन गए, आज जिनेंद्र का बीज बोकर जाना, एक दिन जिनेंद्र बनकर के दुनिया से विदा हो जाएं। ये बीज बोना है, ये बीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये बीज मन से बोया जाता है, वचन से बोया जाता है, काय से बोया जाता है, भावनाएं भाइये संकल्प करिए, अभी ना कभी वह काम अचानक हो जाया करता है, प्री प्लान भी नहीं होता हो, कई काम अचानक हो जाते हैं, हम कहते यार ये कैसे हो गया, हम तो आए थे ये करने, यहाँ ये हो गया आकर के, समझ में आ रहा, ये हमारे पूर्व नियति है, कर्मों का फल है जो हमें प्राप्त होता है।
है, ये तुम्हारे पूर्वकृत पुण्य का फल है जो यहाँ आकर के बैठकर भगवान की पूजन कर रहे हैं। वरना कितने लोग हैं, कितनों के पास पैसा है, कहाँ लगता है वह पैसा? विषय भोग में खर्च हो जाता है, संसार में खर्च हो जाता है। दान की बात करो तो आदमी बहुत सोचता कैसे दें, क्या करें, इतना देंगे ये होगा। अरे पागल, नहीं देगा तो विषयों में जाएगा, भोगों में जाएगा, और भोगों में जाएगा तो भव भव भटकाएगा। जिनालयों में दान क्यों बोला गया है? दे दे, ये बीज बोरा है, आगे आके जाकर के चक्रवर्ती की संपदा का अधिकारी बनेगा और सब संपदा छोड़कर एक दिन निर्वाण का अधिकारी भी प्राप्त हो जाएगा। ये संस्कार बनाइए। राजेश जी राव का परिवार बहुत सरल सहज, पूरा परिवार बहुत सरल है। जब भी आते हैं उनके बच्चे, परिवार के सभी लोग बड़ी आत्मीयता से बैठते हैं, बात करते हैं, हमको तो उनकी भाषा में ही बड़ा आनंद आता है। आसामी लोग हैं, आसाम के रहने वाले हैं, हिंदी बराबर आती नहीं है, लेकिन हमको बड़ा आनंद आता है जब बोलते हैं हम आएगा, हम जाएगा, हम खाएगा, हम करेगा। लेडीज भी बोलती हम आएगा, हम जाएगा, है? बड़ा आनंद आता है बैठ कर के। ये सुलभ चेष्टाएं हैं, ये सहजताएं हैं। एक बात ध्यान रखना, बनावटी में कभी आनंद नहीं आया करता है, सहजता से जो आनंद प्राप्त होता है। बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है माँ के पास, उसकी सहजता इतनी होती है कि कोई भी उसे गोद में उठाने को तैयार हो जाता। बनावटी को कोई नहीं उठाता है गोद में। आप जबरदस्ती किसी को बनावटी मुस्कुराहट दे रहे हो या ओरिजिनल दे रहे हो, नेचुरल दे रहे हो, सब पता पड़ जाया करता है। एक बात ध्यान रखना, शब्दों से पहले भावनाएं पहुंच जाया करती हैं। शब्द का सफर धीरे होता है, भावनाओं का बड़ा तेज हुआ करता है। शब्दों में कुछ नहीं रखा है, कोई कहता हम इंग्लिश सीख रहे, कोई कहता हम फ्रेंच सीख रहे, कोई कहता हम कन्नड़ सीख रहे, कोई कोई भाषा सीख रहे। अब किसी को नहीं आती है तो क्या करे? एक बात ध्यान रखना, मन की भाषा सबसे बड़ी भाषा होती है। मन की भाषा वो होती है जिसे जानवर भी समझ जाया करता है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है। यदि गोद के बच्चे को चुटकी बजाओ तो वह भी अपने हाथ पैर हिलाने लगता है, मुझे गोद में उठा लो। गुस्से में यदि देखो तो बच्चा भी तुम्हारी गोद में आने को तैयार। ये काय की भाषा है, ये मन की भाषा है, ये हृदय की भाषा है। जब कोई भक्त हृदय की भाषा से गुरु चरणों में पहुंचता है तो आत्मीयता का आशीर्वाद उसे अपने आप प्राप्त हो जाता, मांगना नहीं पड़ता, अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक बात बताओ, तुम विदेश चले गए, अब तुम्हारे पास इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें दूसरी भाषा नहीं आती है, अब तुमको प्यास लगी है, अब तुम अपने इंडिया की भारत की भाषा में बोलो एक गिलास पानी लाओ, तो वो तो मुंह देखेगा बैठ करके, क्या होता है एक गिलास पानी लाओ, विचार करिए। लेकिन आपको प्यास लगी है, पानी भी पीना है, कौन सी भाषा में बोलोगे? तो बोले अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो बोले क्या करो? बोले इतना कर दो, वो समझ जाएगा। ये मन की भाषा होती है, जहां निशब्द हो जाते हैं, एक्शन से पता कर लेता है। इतना बोल दो कि भाई मुझे पानी रखा हो, तो इतना बोलो कि मुझे पानी पीना है, गूंगा आदमी भी अपने सामान को प्राप्त कर लिया करता है। ये हृदय की भाषा है, ये मन की भाषा है। ध्यान रखना, हम शब्दों की भाषा पे बहुत जोर देते हैं, मन की भाषा पे जोर नहीं देते हैं। मन को पढ़ना सीखो, मन को समझना सीखो। गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है? मन को समझने का रिश्ता होता है, हृदय को समझने का रिश्ता होता है। ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं ये लोग, कहीं भी पूजा भक्ति हो, धर्म हो, हमेशा अग्रणी रहने वाले, अपना नाम सबसे आगे लिखाने वाले। हमारा भी यह सौभाग्य हमको अर्जित होना चाहिए। परमात्मा ने तुमको दिया है, और परमात्मा ने दिया है इसलिए उसका सदुपयोग जीवन में करो। मालूम है, एक बात, छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक हिंदू संत थे, रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कहलाया करते थे। ऐसे थे वह संत कि एक दिन वह भिक्षा लेने के लिए गए, भिक्षा पात्र लेकर, और एक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, जाकर के कहा कि भिक्षाम देही,
जो भी भिक्षा हो मुझे प्रदान करो। संकुचित हो गई, सकुचाई, थोड़ी सी दुखी हुई। संत ने कहा, माँ सोच मत, जो भी है मेरे पात्र में डाल दे। क्या डाल दूं, आज तो भोजन भी नहीं है, आज तो पानी भी नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन मुंह से ना नहीं निकल रहा है, क्या करूं। संत ने कहा, सोचती क्या है माँ, जो तेरे पास हो मेरे को दे दे। बुढ़िया फिर भी कुछ नहीं बोली। संत ने कहा, नहीं देना तो ना बोल दे। बोले कि वो भी ना भी नहीं बोल सकी, उसके पास कुछ था ही नहीं, क्या करती, देने के बहुत भाव थे लेकिन सामान तो कुछ भी था नहीं। संत समझ गए मौन की भाषा, जरूर संकोच में है ये बुढ़िया। उन्होंने कहा कि माँ एक काम कर, तू ज्यादा मत सोच, मैं तुझसे मांग रहा हूं, तू मुझे दे दे। तो वो कुछ नहीं, नैनों से अश्रु की धारा बह गई। मेरे द्वार पर कोई आया और खाली जा रहा है। उसने कहा रामकृष्ण परमहंस ने कि माँ तेरे चरणों में जो धूल पड़ी है ना आगम के आंगन में की, एक मुट्ठी धूल मेरे पात्र में डाल दे। बुढ़िया ने कहा, एक मुट्ठी धूल, एक तो देने को नहीं, ये मेरे पाप कर्म का उदय है, और दूं तो ये धूल उठा कर दूंगी, इससे बड़ा पाप और क्या होगा मुझसे। संत ने कहा, ये मत सोच, तू एक मुट्ठी धूल आंगन की मेरे पात्र में डाल दे। उस बुढ़िया ने कहा कि संत जी, आप धूल का क्या करेंगे, धूल से पेट भरेगा क्या, भोजन होगा क्या धूल का। संत ने कहा, ये सोचना तेरा काम नहीं, ऐ देने वाले तेरा काम देना हुआ करता है। मैं खाऊं या फेंकूं इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। मैं उसका सदुपयोग करूं या दुरुपयोग, इसमें तेरा कोई संबंध नहीं होता है। तू मुझे मिट्टी दे, बस वो लेकर मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, संत जी तुम ज्ञानी मैं अज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता, इतना तो बता दे कि ये धूल क्या करोगे इस धूल का। संत ने कहा, माँ तुझे मालूम है ना कि ये धूल मैं नहीं खाऊंगा, इसका कोई महत्व नहीं मेरे जीवन में, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो कुछ और है। बोले क्या बात है। बोले आज तेरे पास नहीं है तो तेरी जिभ्या से ना निकल रहा है, और यदि ये ना कहने की आदत पड़ गई तो जब तेरे पास होगा तब भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। धूल में इसलिए ले रहा हूं कि तेरी जिब्बा ना कहना ना सीख जाए, उसे हाँ ही कहना चाहिए, जो भी देना। ऐसे संस्कार मत डाल अपनी जिब्बा पर, ये आदत बन जाती है। कभी कभी परिस्थितियां तो बदलते रहती हैं, आदतें नहीं बदला करती हैं। मैं संघ के साधुओं को भी समझा रहा था कि कोई भी गलती हो तो क्षमा या सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। आदमी सोचता है कि हमने उत्तम क्षमा बोल दिया, सॉरी बोल दिया, अपराध से मुक्त हो गए। हमने कहा ऐसे नहीं हुआ करता है, जैन दर्शन इसको महत्व नहीं देता है। क्षमा बोलना नहीं, जो गलती हुई है दोबारा नहीं हो ये प्रयास करना क्षमा हुआ करता है, कि अब ये गलती दोबारा मुझसे नहीं। तो आदमी क्षमा बोल देता है, झगड़ा कर लेता है, फिर सॉरी बोल देता है, फिर लड़ लेता है, फिर सॉरी बोल देता है, उसके बाद फिर वही काम करने लगता है। नहीं, ये क्षमा बोलना और नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है, आदतें सुधारना ये महत्वपूर्ण काम हुआ करता है। अपनी आदत सुधारिए, अपना स्वभाव सुधारिए, अपने संस्कार बदलिए, तो तुम्हारा धर्म करना सार्थक और सब। धर्म क्या होता है, धर्म आदतें बदलता है। यहां से आदेश हुआ कि महाराज का चातुर्मास जिन शरणम तीर्थ पर करा रहे हैं, हमारे अजित भाई और जो भी ट्रस्टी गण थे, हेमचंद जी, झांझरी, निर्मल जी, सभी ने जूम पर मीटिंग की, मुझे याद है वह समय। और सभी से कहा कि भाई यहाँ समाज नहीं है, लोग नहीं हैं, और हमें यहाँ महाराज का चतुर्मास कराना है। कोरोना काल है, महाराज कहीं जा नहीं सकते हैं, तो कैसे चतुर्मास होगा। सभी भक्तों ने कहा चिंता मत करो, जिस महाराज ने हमारी तिजोड़ियाँ भरी हैं उसी में से निकाल कर चतुर्मास संपन्न कराएंगे। ऐसा हुआ, एक भी दिन यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रही, एक और इतने इतने कार्यक्रम हुए। और ये चतुर्मास मुझे तो बहुत फला है, क्योंकि हम दो थे पांच हो गए। विचार करिए, जंगल में नहीं तो शहर में नहीं बन पाते हैं लोग। हर तरह से ये चतुर्मास सफलता को प्राप्त हुआ।
प्रतिमा साय यहाँ पर बैठी हैं, उनसे जब कहा गया उस जूम मीटिंग पे, मुझे वो शब्द याद है कि आप ट्रस्टी हैं, आपको सहयोग करना चाहिए, आपसे निवेदन है, एक शब्द उन्होंने बड़े अंदाज में कहा, एक शब्द का ट्रस्टियों से निवेदन नहीं किया जाता, ये उनका कर्तव्य हुआ करता है, ये उनका दायित्व हुआ करता है, उन्हें कराना ही चाहिए यह चातुर्मास। ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे लोग, कल भी विधान है हमारी वैजयंती माला का, तो वह भी पूरे परिकर को लेकर के आई है, रात दिन ऐसी एक बार हम सीकर जा रहे थे, जब से लगन लगी तो लगन लग ही गई, लेकिन क्या करें, आशीर्वाद इतना फल रहा है कि उनको आने का वक्त नहीं मिला करता है, चारों तरफ से वरदान ही वरदान मिल रहा है, आज ये पोता हुआ, कल वो पोता हुआ, आज देवता हुआ, आज इसकी शादी, कल उसकी शादी, तुम्हारी वजह से। मैंने कहा क्यों? बोले इतना आशीर्वाद देते हो कि फुर्सत ही नहीं मिलती है आने की, घर बैठ के ही सब काम हो जाए करते हैं। तो अभी ऐसा ही परिवार बना रहे, ऐसी ही तरक्की उनके जीवन में होती रहे। अपने भक्तों की तरक्की कौन गुरु नहीं चाहता है? एक माली जब पौधे लगाता है ना आंगन में, तो वह ये सोच के नहीं लगाता कि उसकी बेल नीचे रहे, वो सोचता है कि बेल उसके सिर से ऊपर चढ़ जाना चाहिए, जब ऊपर बेल चढ़ती है तो उसे आनंद हुआ करता है, और जब अपने भक्तों की तरक्की होती है तो गुरुओं को भी आनंद की बरसात हुआ करती है। बहुत तरक्की करो, उन्नति करो, समय की अपनी सीमा है, और तुम्हें तो बोलना ही नहीं है कि बस करो, तुम्हें तो सुनते ही जाना है, लेकिन मेरे भी अपनी कोई कैपेसिटी है, तो मैं नहीं, ऐसा नहीं, बोलने को मैं घंटा भर बोल सकता हूँ, लेकिन आज ही रात्रि भोजन त्याग कराया है, फिर इनका भोजन भोजन छूट जाएगा। तो इस बार क्या हुआ, लोगों ने पूजा भी की, भक्ति भी की, और संयम भी लिया, सभी घरों में जो जो ने विधान कराया, सब घरों में रात्रि भोजन बंद हो गया, छोटे छोटे बच्चों ने भी रात्रि भोजन छोड़ दिया, बड़ों ने भी रात्रि भोजन छोड़ दिया। यह धर्म की प्रभावना है। मैं आशीर्वाद देता हूं अष्टानिका के इस पर्व पर, खूब इनके जीवन में धर्म का लाभ हो, और यह लोक ही नहीं परलोक भी इनका आनंदित हो, और जीवन का कल्याण हो। ये कड़ी है जो सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद उनको देता हूँ, और पूना वालों को विधान समापन की कल बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी, क्योंकि एंड तुमसे ही हो रहा है, अंतिम तो बस, जहाँ सब प्यार, पिक्चरों में क्या होता, दो लड़के लड़की बिछड़ गए, वो पिटा वो पिटी, ये हुआ वो हुआ, और लास्ट में जैसे ही सुख के दिन आते हैं, हाथ मिलाने के दिन आते हैं, वहाँ दी एंड लिखा आ जाया करता है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल।